नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। दोस्तों, तस्वीरें तो इस कदर सामने आ रही हैं जैसे वो पूरी यादें ताज़ा कर देती हैं। पुरानी यादें तो एक इतिहास का पन्ना ही नहीं, पूर्वजों की कहानी है, इतिहास से भरी कहानी है। लेकिन आज जो देश की हालात है वो पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पर कैसे जमा हुए हैं, कैसे भीड़ जमा हो गई है। अचानक एक भीड़ दिल्ली के सड़कों पर दिखाई दी जो काफ़ी कुछ तस्वीर ही बयां कर रही है। ये तस्वीर देखें 1947 की, जिसकी इतिहास हर किसी को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब 2020 भारत की तस्वीरें देखकर काफ़ी हैरानी और परेशानी हो रही है। इनमें कितना फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है, देश को 1947 में वीर शहीदों ने आज़ाद कराया था और 2020 में कोरोना वायरस के भय और भूखमरी ने इन्हें या हम सबको वो दौर याद दिलाया है। मगर इतना तो साफ है, ये दूसरी आज़ादी होगी देश की। कोरोना वायरस का खौफ ने सड़कों पर ला दिया है, हजारों सैकड़ों लोग निकल पड़े हैं अपने वतन जाने के लिए। जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, ये छोटे छोटे बच्चे और सर पर लिए बोझ, उन्हें अपने मंजिल पर ही जाकर रुकना है, अपनी मंजिल पर ही जाकर दम लेना है। यूपी सरकार के द्वारा 1000 बसें चलाए जाने के ऐलान के बाद गाज़ियाबाद के कौसाम्बी में बस डिपो में उमड़ी यात्रियों की भीड़। सरकारें अपने अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं, मगर क्या करें, लॉकडाउन ही कोरोना का बचाव है। घर में कैद रहना ही कोरोना का बचाव है। अब हम आपको बताते हैं, इस महामारी से निपटने के लिए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने पीएम मोदी को 25 करोड़ रुपए दिए हैं और कहा ये वक्त है लोगों की सेवा करने का, जान है तो जहान है। और वरुण धवन ने 25 लाख रुपए दिए, रिलीफ फंड दिए हैं, कहा हम आपके साथ हैं। मोती लाल ओसवाल ने 5 करोड़ रुपए दिए पीएम मोदी को और कहा इस वक्त जब लोगों की ज़रूरत है मदद की तो हमारा भी फर्ज बनता है। सुरेश रैना ने दिया 31 लाख पीएम मोदी को और 21 लाख रुपए जो है सीएम रिलीफ दिया है। और आईएएस एसोसिएशन 21 लाख दिया है पीएम मोदी को और कहा हम सबको अपनी सैलरी से थोड़ा हिस्सा तो बांटना चाहिए। और इसी के साथ आईपीएस एसोसिएशन ने 21 लाख रुपए दिया है पीएम मोदी केयर फंड को। इनका कहना है सब आईपीएस एक दिन की सैलरी तो निकाले मदद के लिए। जयेश शाह ने 51 करोड़ रुपए दिए पीएम मोदी को और कहा ये चैलेंजिंग टाइम है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। भूषण कुमार ने 11 करोड़ रुपए दिए हैं पीएम मोदी को। सेलो ग्रुप ने भी जो है 3 करोड़ 50 लाख रुपए दिए हैं पीएम मोदी को, और जिसको लेकर पीएम मोदी ने जो है आभार व्यक्त किया है। और यही नहीं, रतन टाटा ने 500 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 25,000 दिहाड़ी मजदूरों की मदद करेंगे। दिहाड़ी मजदूरों के बैंक खातों की जानकारी ली सलमान खान ने। बहरहाल इस देश में बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, फिल्म स्टार वह अन्य लोग हैं, अगर खुलकर सरकार को रिलीफ फंड दे दे तो देश में कोरोना के दहशत में जी रहे लोग अपने अपने घरों में कैद होकर इसकी जंग लड़ सकें। ये दौर लड़ाई लड़ने की नहीं है, ये दौर दहशत दिखाने की नहीं है, बल्कि ये दौर चार दीवारी में छुपने का दौर है। क्योंकि कोरोना वायरस इतना खतरनाक है वो किसी को नहीं पहचानता, कौन अमीर है कौन गरीब है। और यही वजह है लोगों को खाया जा रहा है। और ये इतिहास की दूसरी जीत होगी, क्योंकि इतनी आफत देश पर नहीं आई है, शायद ये पहली बार है कोरोना वायरस की, जिससे छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग झकझोर उठे हैं। बहरहाल कोरोना वायरस ने दिल्ली को भी झकझोर दिया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।